प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी तमाम बातें जानने के लिए हर कोई बेताब नजर आता है। जब से नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री बनने के लिए चर्चा में आया, तभी से सभी को पीएम मोदी की निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की दिलचस्पी होने लगी थी। उसी दौरान एक नाम सामने आया और वो था जशोदा बेन का। पता चला कि शादीशुदा होने के बाद भी पीएम मोदी अपनी धर्म पत्नी को अपना नहीं मानते, वो उन्हें त्याग कर चले गए थे। लेकिन दोनों के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पीएम मोदी ने गृहस्थी त्याग दी थी? इस बारे में कुछ साल पहले खुद जशोदा बेन ने भी बात की थी। आइए बताते हैं पीएम मोदी की शादी से लेकर पत्नी से अलग होने की पूरी कहानी। नरेंद्र मोदी ने साल 2002, 2007 और 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों में चुनाव के नामांकन फॉर्म में अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने पहली बार औपचारिक रूप से चुनावी हलफनामे में कबूल किया था कि उनकी शादी हुई थी। उन्होंने नामांकन पर्चे में जशोदा बेन को अपनी पत्नी बताया। उस दौरान खुलासा हुआ, जब मोदी 17 साल के थे तब उनकी शादी गुजरात के ऊंझा के नजदीक ब्रह्मवाड़ा गांव में 15 साल की जशोदा बेन से हुई थी। जब पीएम मोदी के शादीशुदा होने की बात सबके सामने आई तो सबने हैरानी जताई। साथ ही एक सवाल ये भी उठने लगा कि आखिर पीएम मोदी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा, क्या उनका तलाक हुआ या नहीं। दरअसल पीएम मोदी ने ये शादी अपने परिवार वालों के दबाव में आकर की थी। पीएम मोदी त्यागी और सन्यासी स्वभाव के थे, इसलिए वो शादी के बाद 2 दिन में ही घर से चले गए और हिमालय में काफी समय बिताया। नरेंद्र मोदी एक युवक के रूप में अपनी राह तलाशते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से टकरा गए और तभी से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो गई। पीएम मोदी की शादी 3 साल तक ही चली और वो भी इन 3 सालों में लगभग 3 महीने ही अपनी पत्नी के साथ रहे और इन 3 सालों में लगभग 3 महीने ही वो अपनी पत्नी के साथ रहे और फिर एक दिन जो घर से निकले दोबारा लौट कर नहीं आए। उधर मोदी से अलग होने के बाद जशोदा बेन ने धोलका से अपनी पढ़ाई पूरी की और सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी से 2009 और 10 में रिटायर हुई। फिलहाल अब वो अपना पूरा टाइम भगवान की भक्ति में बिताती हैं। हालांकि ये भी बता दें कि पीएम मोदी और जशोदा बेन अलग तो हुए लेकिन उनका तलाक नहीं हुआ। वहीं जशोदा बेन ने कभी दूसरी शादी भी नहीं की। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में जशोदा बेन ने ये तक कहा कि उन्हें नरेंद्र मोदी से किसी भी तरह की नाराजगी नहीं है, वो खुश हैं। लेकिन पीएम मोदी की शादी की बात जब सबके सामने आई थी तो सियासी बवाल भी खूब मचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।